لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज लाइव सेशन में आपसे एक हदीस शरीफ मैंने शेयर की थी, लेकिन मैं चाहता हूं इसको दर्स की सूरत में भी आप तक पहुंचा दूं। हदीस शरीफ का ताल्लुक इस बात से है कि ऐसे ईमान का बयान कि इस ईमान का हामिल शख्स जन्नत में अल्लाह के हुक्म से दाखिल होगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कोई ऐसा काम बताइए कि जिसको करने से हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो आइए आपके साथ बुखारी शरीफ की एक हदीस शेयर करता हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसको अंजाम देने से मैं जन्नत में दाखिल हो सकूँ। उस शख्स को आगे बढ़ता और हुजूर से मुखातिब होता देख कर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसे क्या हुआ है, क्यों इस तरह बात कर रहा है। इस पर हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नहीं हुआ, इसे मुझसे कोई काम है, इसे कहने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मुखातिब हुए और मुखातिब होकर फरमाया कि देखो, अल्लाह की इबादत ऐसे खुलूस से करो कि अल्लाह के सिवा ना सिर्फ ये कि किसी गैर की इबादत ना करो, बल्कि अल्लाह की जो इबादत करो उसमें शिरकत गैर का शायबा तक भी ना हो। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया कि देखो, खालिसतन अल्लाह की और लिवजहिल्लाह इबादत करो कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ही की इबादत हो बस। और नमाज को कायम करो और जकात को अदा करो और रिश्तेदारों से मेल जोल और हुस्न सलूक करो। तो अब देखे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को उसे बताया। उसका सवाल क्या था कि कोई ऐसा अमल बताइए जिसको अंजाम देने से मैं जन्नत में दाखिल हो सकूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसके लिए जमा कर दिया कि एक तो जो अमल करो, जो इबादत करो, वो खालिसतन अल्लाह ही के लिए हो, तो तुम्हारी इबादतें पाक हों, गैर का शायबा भी ना हो, इखलास के साथ हो, अल्लाह की रजा के लिए और सिर्फ अल्लाह की इबादत हो, और नमाज को कायम रखो, जक़ात को अदा करो और रिश्तेदारों से मेल जोल और हुस्न सलूक करो। और फिर उसके बाद फरमाया इसे छोड़ दो। तो अब इसे छोड़ दो से मुराद, फिर उलमा के दरमियान इसकी मुख्तलिफ तफसीलात आती हैं कि हो सकता है वो शख्स किसी ऊँटनी पर सवार हो और उसने अपनी ऊँटनी को रोक रखा हो, तो हुजूर ने फरमाया कि छोड़ दो यानी अब तुम चलो, या वो शख्स पैदल हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हो और उसने आकर हुजूर की ऊँटनी की मुहार पकड़ ली हो, तो हुजूर ने कहा इसे छोड़ दो ताकि अब हम अपनी सवारी लेके आगे जाएं। बहरहाल इसका ताल्लुक मतन हदीस से नहीं है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हदीस में आती है। तो ये जो हदीस शरीफ है इसे इमाम बुखारी किताबुल अदब में लाए हैं, बा फसलु सिलतुर रहम। तो इस रिवायत में वो चीज़ मौजूद है जो अक्सर लोगों का सवाल है कि आया कोई ऐसा काम या कोई ऐसा अमल जिसको अंजाम देने से जन्नत में इंसान दाखिल हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के इस सवाल का जवाब अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में दे दिया। और यही कमाल है मेरा भाई, सहाबा कराम सवाल करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब पर हमद फरमाते और आने वाली नस्लों तक की एक भलाई का सामान हो जाता। ये सब अल्लाह ताला का फजल व करम है और ये उसका रहम है हम पर। ये भी उसका एक रहम है कि उसने एक शख्स को पैदा किया जो ढूंढते ढूंढाते एक तो सहाबियत के दर्जे पे फायज हुआ, फिर एक ऐसा सवाल पूछ गया जिसके जवाब से रहती दुनिया तक इंसानियत फ़ायदा उठाती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।